हेलो गाइस, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मौसम हो गया है खराब और 2 दिन से लगी हुई हूँ मैं सर्दियों के कपड़े निकालने में, जो छोटे हो गए हैं वो रखने में। कल तो पूरा दिन इतनी बिजी थी कि मुझे, मैंने कल वीडियो स्टार्ट किया तो फिर बस उसके बाद इतना बिजी हो गई, थक गई पूरी बुरी तरह। तो बस कपड़े निकालने में, ये करने में, पैकिंग कौन से छोटे हैं ढेरों, इतने में मैंने कपड़े निकाले हैं जो मैं आपको दिखाती हूँ। 2 कट्टे भर के मैंने कपड़ों को निकाल लिया। 1 मिनट, ये देखो, एक वो तो है, ये वाले कपड़े हैं मुन्नू के और ये वाले कपड़े हैं दिया के। इसमें ये पूरा दिया के कपड़े हैं और दिया ने देखो क्या क्या फैला रखा है। अरे मैं हाथ में ले, ये देखो क्या क्या फैला रखा है दिया ने। और अब फिर मैं क्या करूँगी कि बेड में से अब फिर मैं कपड़े निकालूँगी। बस यही काम है 2 दिनों से। और ये देखो मैं लेके आई हूँ नई टी शर्ट। कैसे दिखाऊँ आपको, पहले दिखाती हूँ। ये देखो, ये नया लोवर, ये नई टी शर्ट मेरी। और ये मतलब दिखाने का तो मुझे टाइम ही नहीं लगा। मैंने बताया था ना आपको कि मैं 4 टी शर्ट लाई हूँ, 3 लोवर लाई हूँ, और भी पड़े हैं कपड़े। अभी मैं और भी निकालूंगी, अपने बेड खोलूंगी, अभी बेड में से और कपड़े निकालूंगी। और अभी कर रही हूँ मैं कपड़ों में, मैंने तेल लगाया था कल सिर में, मैंने कहा सिर धोऊंगी मैं, और सिर धोने का भी मुझे टाइम नहीं लगा। आप देखो कितना बिजी थी। मेरे पास कमेंट आए थे कि आपने, 2 कमेंट आए थे। एक तो ये आया था कि आपने वीडियो क्यों नहीं बनाया, तो बड़ा अच्छा लगता है कोई बोलता है तो। उसके लिए थैंक यू मेरी वीडियो का वेट करने के लिए, कि मेरी इतनी अच्छी, अभी मुझे कुछ आता नहीं है, एडिटिंग भी नहीं आती है, कुछ भी नहीं आता, फिर भी हमें लोग मेरी वीडियो का वेट करते हो, उसके लिए बहुत बहुत इतना इतना बड़ा थैंक यू। चलो निकालते हैं कपड़े, खोलते हैं बेड। मेरा स्टैंड हो गया, ये इधर उधर लुढ़क गया। अभी देखते हैं, मैं चश्मा उतार दूंगी। मैं चश्मे के बिना, ये है दिया के। अभी मैंने मुन्नू का डोर भी सेट किया, दिया का डोर भी सेट किया, दिया का करना है, मुन्नू का कर दिया, क्योंकि कपड़े धुले थे, कपड़े धुले हुए भी हमें देखने थे कौन से छोटे हैं कौन से बड़े हैं। मैं आ गई हूँ दूसरी साइड सोफे की, बेड की, सॉरी। अभी फिर कुछ इसमें से भी कपड़े निकाल लिए मैंने, देखे, और फिर निकालूंगी, बड़े झंझट, बहुत ज्यादा झंझट। इसमें रखे हैं मैंने थोड़े से, तो आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मैं इधर से देखती हूँ। ये देखो इधर मैंने रखा है, इधर भी रखे हैं कपड़े। फिलहाल तो मैं अपने रूटीन के निकाल लूंगी। मैं ना बैग मंगवाऊंगी, बैग ये मेरे हैं, ये निकाल लेती हूँ। और ये मेरे गर्म सूट है, ये निकाल लेती हूँ, ये मेरे गर्म सूट, ये 2 बैग पता ही नहीं चलता कपड़ों का, किसके कपड़े हैं किसके क्या है। ये मेरा है, ये मेरा है, ये भी मेरा है, पर फिलहाल मैं इनको तो ऐसे ही रखूंगी। बस फिलहाल तो मैं ये ही निकालूंगी, ये मुन्नू की इनर, रोज रोज बेडशीट का भी काम कर ही देती हूँ, ये भी निकाल देती हूँ बाहर, और ये भी रख देती हूँ, क्योंकि फिर रोज रोज बार बार फिर बेड खोलना पड़ता है, बड़ा वो होता है। ये वाली चद्दर तो मैं आपको दिख नहीं रही,
ये वाली चादर तो मैं ये वाली तो यही बिछा दूंगी। ये है मेरे हेडफोन, अभी देखो बज गई है दो। और मैं फिर सुबह से जब से उठी हूँ ना तब से अब तक मैं काम लगी हुई तब से कितना काम होता है ना। ये धुलेंगे डाल, ये है कि ये इनके कवर होते हैं ना थोड़ा टाइट टाइट से होते हैं, पूरे खुले खुले होते हैं गर्म चादरों के, या तो फिर बहुत ही खुले खुले से होते हैं। जिप जिप है ना इनकी, थोड़ा टाइट टाइट लग रही है मेरे को, देखते हैं। पर ये सॉफ्ट सॉफ्ट चादर है ना, बड़ी अच्छी लगती है मुझे सॉफ्ट सॉफ्ट चादर। पहले स्टार्टिंग में चली थी जब सॉफ्ट नहीं थी, वो भी है मेरे मेरे पास दो चादर, पर वो तो मैं बिछाती नहीं, बहुत कम बिछाती हूँ पहले तो उनके साथ। अब तो कवर आते हैं, तकिए के कवर भी आते हैं अब तो, पहले तो तकिए के कवर भी नहीं आते थे चादरों के साथ, ऐसे ही चादर बिछाते थे, कवर ठंडे चादर गर्म ऐसे होता। बॉम्बे टाइम की ली थी मैंने गर्म चादर उस टाइम, हाँ अब तो चादरें महंगी हो गई हैं। जैसे ये गरम चादर मेरी 800-800 की, ये वाली चादर भी 800 रुपए की थी, और गरम 900 की 800 की ऐसे थी। और उस टाइम मैंने वो चादर ली थी बॉम्बे टाइम की 550 की शायद, ऐसे ये अटक जाते हैं ये स्लिप नहीं होते ऐसे। चलो जी ये चादर भी उठा दे, इसको भी बोल दें बाय बाय थोड़े से दिनों के लिए, सर्दी सर्दी बाय बाय कर देते हैं। हाड़ को थोड़ा थोड़ा सा बैठ को है ना, उसको ऐसे घुमा दो ताकि अच्छा। चलो झाड़ू तो लगानी ही है मैंने, इधर से कहाँ कैसे है मुझे चक्कर का, वो जो हमारे बेड पे पीछे है उसको पता नहीं क्यों उतना फुल साइज नहीं लगा। अच्छा मैंने यहाँ पे नीचे कम दबती है, दिया ने हमारी कारीगरी यहाँ पे भी की हुई है बेड पे है ना, इधर इधर पेन सब कोई पेन चलाती रहती है लड़की, कब सुधरेगी ये लड़की। क्या आपके घर में भी बच्चे ऐसे करते हैं पेन पेन चलाते रहते हैं। चलो जी अब क्या करना है, मतलब कि ऐसे रखती हूँ क्योंकि मैंने और कुछ तो रख नहीं रखा कुशन वगैरह। हाँ देखो मेरे साथ क्या हुआ, मैं कह रही थी ना मैंने शायद वीडियो में भी जिक्र किया था कि मुझे अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा आज मेरे चश्मे में, पता नहीं क्या हो गया चेंज करना पड़ेगा क्या। आज मतलब क्या हुआ कि मेरे चश्मे में मुझे अच्छे से दिख रहा है, बट इसका ये वाला कांच इसका निकल गया था और मुझे पता ही नहीं, मैंने चश्मा ऐसे करके देखा ही नहीं और बस मैं ऐसे लगा ली। हाय
मुझे दिख नहीं रहा, एक चीज में मुझे चश्मा चेंज करना पड़ेगा, शायद नंबर बढ़ गया या क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। और मैं ऐसे फिर मेरे ये तो है ना, प्रज्वल ने देखा, मैंने इससे बोल, आज इसका पेपर था तो इसने बोला कि मम्मी आज मेरे पेपर देखो मेरा कितना आंसर आते हैं, देखने कितने नंबर आते हैं। तो मैंने कहा चश्मा ला, चश्मे के बिना मेरे को दिखेगा नहीं। तो कहता मम्मी एक इसका इसमें शीशा ही नहीं है। तो फिर देखा कि शीशा नहीं है, मैंने कहा हाँ मुझे तभी नहीं दिख रहा। सच में देख रहा था दिमाग है ना कितना, मतलब कुछ दिखाई नहीं, देखा ही नहीं मैंने अपना चश्मा, बस उठा रही हूँ लगा रही हूँ, उठा रही हूँ लगा रही हूँ, पता ही नहीं कुछ भी क्या हो रहा है, क्या नहीं दुनिया। मैं इतना काम में खो रही हूँ कि मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा, कुछ भी चप्पल पहन कुछ नहीं पता चल रहा कि मेरे इसमें चश्मे में शीशा नहीं है, है क्या नहीं है, कुछ नहीं पता मुझे। मतलब काम में इतनी पागल हो गई थी मैं, मेरी कमर में ना बेड खोल खोल के बहुत ज्यादा दर्द हो गया था। हेलो हाय कुछ पेपर था गाइस, अभी एक पेपर हो रहा है इसका 7 बजे, अभी तो 6 बजे हुआ था। और आप सोच रहे होंगे कितने मार्क्स आए होंगे मेरे, मम्मी बताइए। अभी तो पेपर में इसके 10 में से 10 आए हैं, फुल टेस्ट है, टेस्ट टेस्ट नहीं है, पेपर है, पेपर है। अगर आपको सबूत चाहिए वो भी दिखा देता हूँ। नहीं सबूत नहीं, फ्रेंड सोच रहे होंगे तो हम उल्लू बना रहे हैं, उल्लू नहीं बनाते हम, ये देखो भाई उल्टा दिख रहे, कोई बात नहीं, लेकिन 10 नंबर तो दिख ही रहे हैं आप। नहीं दिख रहे 10 नंबर, क्यों नहीं दिख रहे, ऐसे दिख रही है ऐसे। देखो ऐसे आपको थोड़ा बहुत ऐसा दिख रहा होगा, 10 नंबर है लेकिन। ये देखो मेरा ये ठीक है, फोकस कर ले, ये मेरा ठीक है, ये मेरा ठीक है, ये मेरा ठीक है, ये मेरा ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, बस हाँ सारे ठीक है। अभी तो अब थोड़ी देर में मेरा एक और पेपर आएगा। मेरे ना बेड खोल के, कभी उस कमरे का बेड खोल रही हूँ, कभी उस कमरे का बेड खोल रही हूँ, सामान रख रही हूँ, झुक रही हूँ, तो मेरी ना कमर में इतना दर्द हुआ। फिर मैं थोड़ा सा लेटी, लेट के भी अब तो थोड़ा आराम है मेरे को, फिर मैं काम करना शुरू किया मैंने लेट के, नहीं तो मुझे इतना दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। अभी थोड़ा ठीक है, अभी देखते हैं खाना वाना मैं क्या बनाऊँ, तो सब्जी क्या बनाए कुछ समझ में नहीं आता, कुछ हमें अच्छी लगती है, बच्चे नहीं खाते हैं, बच्चे मेरे बेटा सूखी सब्जी नहीं खाता, उसे ग्रेवी वाली चाहिए, और बनाऊँ क्या समझ नहीं आता मेरे को क्या बनाऊँ। मैंने अब साफ किए हैं बर्तन, जो ये बर्तन थे अब साफ किए हैं, और वो जो है इसमें इसमें मैंने मक्खन निकाला था, वो क्लिप वो डिलीट हो गया था उसी दिन का, एक दिन वीडियो नहीं आई थी, क्लिप डिलीट हो गया था, 2 बार मेरी की वीडियो डिलीट हो चुकी है, प्रज्वल ने 2 बार ऐसे किया मेरे साथ, मनु ने। मान लो जैसे मैं काम कर रही हूँ लेट हो जाती थी, मैं बोलती थी इसकी तो चल एडिटिंग कर दे, तो फिर क्या काम करता है, ये मेरे मेमोरी फुल हो गई, ये हो गया वो हो गया, बोल के कर देता है कांड। मैं सोच रही थी मैं सिर धो लूँ, आज मंगलवार है ना, तेल 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 बहुत हो गया, आओ मुझे कुछ भी दिखा नहीं है, इतना काम में बिजी हो गई। देखो मेरे जो ये नहीं आ रही ग्लास में शीशा नहीं है, कुछ नहीं है, मुझे इतना याद नहीं रहा, और बस ये कह रही थी हाँ दिख नहीं रहा मुझे, दिख नहीं रहा एक आँख से, मुझे अच्छे से नहीं दिख रहा, मैं यही बोलती, मुझे तो पता ही नहीं चलता। थोड़ा पीछे कर दो, हिला दूँ थोड़ा सा, हिला दूँ आपको, हिला दूँ मैं भी हिल जाऊँ, मैं भी हिल गई।
पहले करूँगी पूजा, पूजा करके फिर करूँगी और काम, मतलब सब्जी वब्जी बनाऊँगी पहले तो पूजा पता करके फिर करती हूँ कुछ और काम। मतलब देखो कितना काम होता है ना, और फिर कई तो जैसे मुझे सुनने को मिलता है कि जैसे कई हस्बैंड कह रहे थे तुम क्या करती हो काम घर में, सिर्फ दो रोटी बनाती हो, ये है वो है, कई बेचारी के हस्बैंड ऐसे ऐसे बोल देते हैं औरतों के। चलो जी किचन हो गई साफ, अब हम करेंगे पूजा। साढ़े छः हो गए हैं, लेट हो गई मैं पूजा में, टी शर्ट गिली हो गई है पर नीचे से नहीं लग रही, ऊपर से गिली हुई है। तो मिलते हैं हम पूजा के बाद। तो बज गए हैं रात के 8:15। तो हमने आज क्या बनाया है, कड़ी चावल। मुन्नू कह रहा है मम्मी मुझे कड़ी चावल खाने हैं, और वो भी रात को। पीछे बताऊं क्या है, रात को मैं बना रही हूँ सही जवाब, बैग सुंदर सा। तो गाइस मेरे दूसरे में पेपर में फुल मार्क्स आए, ये है मम्मा का गिफ्ट, दूसरे पेपर में फुल मार्क्स आए, ये था मेरा मम्मा का गिफ्ट, मम्मा ने मेरे लिए गिफ्ट बनाया कड़ी चावल, ये देखो। हाय हाय, यहाँ बाय होने वाली है तू हाय कर रही है अभी, कड़ी चावल कड़ी भी दे, फिंगर यहाँ पे लग रही है बार बार, कोई बात नहीं रखो, येलो येलो लग रही है तुम ज्यादा ही, है ना येलो, यहाँ बीच जब वो बुलबुले फूट रहे हैं तो वो ग्रीन ग्रीन हो जाता है, कैमरे में दिख रहा है, इधर कड़ी इधर चावल बनने वाले हैं, देखो चाय चाय गैस चल रही है। हाँ अरे चावल लो मम्मी पकड़ो, चलो तो इस वीडियो को करते हैं हम यहीं पे एंड, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, खुश रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। मुझे याद नहीं रहता, इसको याद रहता है सब कुछ। मेरी प्यारी मटकी मटकू मटकू, बाय बाय बाय।